नज़ारे का मजा लेते हैं। ये सारा एरिया मरीन ड्राइव का है। बहुत ही ज़्यादा लंबा ब्रिज है। कोसी नदी, ये देखिए कोसी नदी का पानी है, बिहार का सोख जिसको कहा जाता है। ब्रिज देख रहे होंगे, ये पुराना ब्रिज है छोटी लाइन का पहले। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विथ अनदर न्यू ब्लॉग। मैं प्रतीक एक बार फिर से आपके साथ हूँ और मैं हूँ अभी पाटलिपुत्रा जंक्शन पे, यानी पटना में। और यहाँ से मुझे आज का जो ब्लॉग स्टार्ट होने वाला, आज का ट्रेन ब्लॉग है, एंड वो ब्लॉग है आज का पाटलिपुत्रा से सहरसा तक का। जी हाँ, तो छठ चल रहा है और छठ के मौके पे हम भी जा रहे हैं अपने नानी घर, क्योंकि वहाँ पे छठ होता है। सो सोचे चलो इसी बहाने एक न्यू ब्लॉग बना देते हैं पाटलिपुत्रा से सहरसा तक का। तो गाइस, यही अपनी ट्रेन है जो लगी हुई है, एंड जनहित एक्सप्रेस सहरसा जंक्शन से पाटलिपुत्रा जंक्शन, गाड़ी नंबर 13205 पर 13206 डाउन। यही है गाइस ट्रेन अपनी, और वहाँ लिख लगा लोकमान्य तिलक मुंबई। देखिए ज़रा पानी उनी आता है कि नहीं। लो भाई, पानी उनी नहीं है। यहाँ तो आ रहा है, बाथरूम नॉर्मल सा है इसका, देख सकते हो साफ़ सफाई थोड़ा बहुत है। गाइस, बाथरूम का कंडीशन तो आप लोग देख ही लिए कैसा है, पानी वानी इसमें आ नहीं रहा है प्रॉपरली, सिर्फ वॉशरूम में आ रहा है। और इसमें ये दो कोच, इसकी एसी होती है, बाकी स्लीपर एंड जनरल। इसकी एसी कोच जो है सो पीछे लगाया जाता है, देख सकते हो। थ्री टायर का दो एसी कोच होता है इसमें। तो फाइनली गाइस, हमारी ट्रेन खुल चुकी है 9:20 में पाटलिपुत्रा जंक्शन से, एंड धीरे धीरे सड़क रही है ये ट्रेन, देख सकते। ये है पाटलिपुत्रा जंक्शन का प्लेटफॉर्म नंबर 2 और वो रहा सामने 3। 2 से हमारे प्लेटफॉर्म नंबर 2 से धीरे धीरे सड़क रही है पाटलिपुत्रा जनहित एक्सप्रेस, जो कि सहरसा तक पहुँच जाती है। और देखते हैं आज कितने बजे ये सहरसा पहुँचाती है। अभी तक ये स्टेशन अंडर कंस्ट्रक्शन ही है, अभी तक प्रॉपरली पूरी तरह से बना नहीं है। इधर लिफ्ट का भी सुविधा दिया हुआ है, अभी बन ही रहा है लगता है पाटलिपुत्रा जंक्शन। गाइस, इस रूट से जाने का एक फ़ायदा है कि इधर से आपको पाटलिपुत्रा से जब ये ट्रेन खुलती है, कोई भी ट्रेन बरौनी साइड में जाने के लिए, तो आपको बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा देखने के लिए मिलता है। गंगा नदी आने से पहले जेपी सेतु से ट्रेन क्रॉस करेगी उसके उस टाइम पर, दिखाते हैं आपको वो ब्यूटीफुल सा नज़ारा। ये देखिए, ये है बिहार विद्यापीठ का भी नज़ारा का समाधान तो कर सकते। बस व्यू इंजॉय कीजिए। गाइस, सामने है मरीन ड्राइव, अब हम लोग मरीन ड्राइव के पास पहुंच चुके हैं, देख सकते हैं ये गंगा नदी अब क्रॉस करने वाले हैं। छठ को लेकर तैयारियां चल रही है इस गंगा घाट पर। Thank you.
बहुत ही ज़्यादा लंबा ब्रिज है, अभी ये ब्रिज ही क्रॉस कर रहे हैं हम लोग। और हम पहुँचे हैं सोनपुर। ये देखिए, ये सोनपुर रेल डिवीज़न के अंतर्गत सोनपुर रेलवे स्टेशन में हम एंट्री कर रहे हैं। तो गाइस, हम आ चुके हैं सोनपुर रेलवे स्टेशन पे, और यहाँ पे इसका 2 मिनट का हॉल्ट है, अब खुलने ही वाला ट्रेन। और सोनपुर फेमस है अपने पशु मेला के लिए, यहाँ विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। ये है बिहार के हाजीपुर में स्थित गंडक नदी का नज़ारा है, देख सकते हैं। अभी हम लोग गंडक नदी क्रॉस कर रहे हैं, सोनपुर और हाजीपुर के बीच में ये नदी है गंडक नदी। ये आ गया हाजीपुर। गाइस, ये आ गया हाजीपुर जंक्शन, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे हमारी ट्रेन आई है हाजीपुर में। एंड हाजीपुर का स्टेशन कोड है HJP। एंड यहाँ का ये हेडक्वार्टर पड़ता है पूर्व मध्य रेलवे का, हाजीपुर। जी हाँ गाइस, हाजीपुर ही है पूर्व मध्य रेलवे यानी ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन का हेडक्वार्टर, जो कि सोनपुर डिवीज़न में पड़ता है ये रेलवे स्टेशन। गाइस, हमारी ट्रेन खुल चुकी है हाजीपुर जंक्शन से, अब सीधा रुकेगी बरौनी जंक्शन। गाइस, टिकट टीटी बाबू आए हैं टिकट चेक करने के लिए। बछवारा जंक्शन आ गया, यानी कि अब इसका नेक्स्ट स्टेशन अगला है बरौनी। तो गाइज, हमारी ट्रेन अब आ चुकी है बिहार के इंडस्ट्रियल हब बरौनी जंक्शन। बरौनी जंक्शन का प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आई है हमारी जनहित एक्सप्रेस। ये रहा बरौनी जंक्शन। तो गाइस, फाइनली हम लोग आ चुके हैं बरौनी जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है BJU, और यहाँ नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म है 9, जो कि बरौनी जंक्शन काफ़ी फेमस रेलवे स्टेशन है इस रूट का। यहाँ से गोरखपुर, कटिहार, हाजीपुर सभी इलाकों का यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा, बहुत ही कम देर का स्टॉपेज था यहाँ पर। गाइस, वो है रिफाइनरी के पास, जो लगभग हमेशा जलते रहता है बेगूसराय में, रिफाइनरी की इंडस्ट्री का विभाग। गाइस, बहुत दिनों बाद, लगभग 2-3 साल के बाद जा रहे हैं अपने नानी घर सहरसा छठ के शुभ अवसर पर। हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है खगड़िया जंक्शन, और यहां से फिर सिमरी बख्तियारपुर, और उसके बाद फिर डायरेक्ट सहरसा। और गाइस, हमारी ट्रेन खुल चुका है खगड़िया जंक्शन से प्लेटफॉर्म नंबर 2 से। तो हमारा ट्रेन पहुंच चुका है मानसी जंक्शन, जहां का स्टेशन कोड है MNE। देख लो भाई, यहाँ पे लिखा है 25,000 वोल्ट का इलेक्ट्रिक तार रहता है इसके ऊपर, ये वाला। थोड़ा ऊपर चढ़ो तो सोच समझ कर, तो सीधा धुआं धुआं हो जाओगे। ये यहाँ का कात्यायनी मंदिर, देवी स्थान, कोसी नदी। ये देखिए, ये है कोसी नदी का एरिया, बाढ़ ग्रस्त एरिया यही है, क्रॉस कर रहे हैं कोसी नदी, बिहार का शोक जिसको कहा जाता है।
यही वो नदी है। इसके बगल में जो आप ब्रिज देख रहे होंगे, ये पुराना ब्रिज है छोटी लाइन का। पहले इसी छोटी लाइन से ट्रेनें गुजरा करती थी, जो मीटर गेज ट्रेन होती थी, मीटर गेज जो लाइन होती थी वो इस दाहिने साइड वाले पुल पे, ये पुल उसी का है अब शेष से। ये था कोसी नदी, बिहार का शोक। कोसी कमिश्नरी का मुख्यालय पड़ता है सहरसा, जो कि मेरा नानी घर है। गाइस ये देखिए, ये है सहरसा का वॉशिंग सेट, यहीं पे ट्रेन धुलती है, जो कि न्यू टेक्नोलॉजी है ट्रेन को धोने का। मोटर के थ्रू ये सब घूमने लगता है और ट्रेन धुल जाती है बहुत ही जल्दी सफाई से। एंड ये इधर से, ये आ रही है कटिहार साइड से लाइट, और ये सीधे सामने है सहरसा जंक्शन। फाइनली गाइस आ गया सहरसा जंक्शन और हमारी ट्रेन आई है प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर। बहुत दिनों बाद सहरसा आए हैं और छठ के मौके पर आए हैं, तो छठ का भी ब्लॉग आता रहेगा। सहरसा में छठ किस प्रकार से मनाया जाता है वो भी दिखाएंगे, तो सब कुछ बतलाएंगे। ये सहरसा थोड़ा घुमाएंगे, अपना नानी घर आप लोगों को। और तो चैनल पर नए होंगे तो उसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। जल्दी मिलते हैं छठ का ब्लॉग लेके।